हेलो फ्रेंड, तो हम लोग पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे स्टेबिलिटी के एनालिसिस के बारे में। इस ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। इसमें हम लोग साथ साथ पोलर प्लॉट और साथ साथ नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे करेंगे वो साथ साथ देखेंगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में हो जाता है पोलर प्लॉट देता है और हम लोगों को नाइक्विस्ट भी पता करना पड़ता है। तो हम लोग सिमिलैरिटी देखेंगे, पोलर प्लॉट कैसे बनाएंगे, उसका नाइक्विस्ट कैसे बनाएंगे। तो मेन थीम है वो हम लोगों का पोलर प्लॉट है, ठीक है। सो पोलर प्लॉट अगर आपको आ गया तो नाइक्विस्ट का कुछ रूल्स है वो फॉलो करके हम लोग बना लेंगे। पोलर प्लॉट आपका पूरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, और नाइक्विस्ट आपका होता है। सो ट्रिक ये देखिए, आप लोगों को इसमें बेसिकली क्या ध्यान देना है, ये एंगल थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखिए याद करने के लिए ये जिसका अपोजिट कर दीजिए, जस्ट अपोजिट, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में बहुत लोग भूलते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग सिर्फ फाइंड करेंगे एंगल ऑफ जीएसएस, ठीक है। एंगल कैसे निकालते हैं वो हम लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए, और उसमें ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, ठीक है। उससे हम लोगों को डायरेक्ट पता चल जाएगा ग्राफ कहां से कहां तक लाई करेगा, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव एंगल, निगेटिव एंगल, हम लोग कंट्रोल सिस्टम ऑलवेज क्या होता है ना, क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज ऐसे, जिससे कि घड़ी ऐसे भी चलती है, ठीक है। क्लॉकवाइज में क्या होता है कि लो पास सिस्टम होता है, तो हम लोग एंगल नीचे से मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव साइन कहीं मैं बताऊंगा कहां पे साइन देखना है। अगर पॉजिटिव साइन हुआ तो क्लॉकवाइज, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लास्ट में स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जाके आपको सॉल्यूशन तुरंत तुरंत याद होने लगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव साइन, क्लॉकवाइज, ठीक है। डायरेक्शन इफ साइन ऑफ मैक्सिमम ओमेगा, साइन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस क्लॉकवाइज। अब देखिए मान लीजिए किसी फंक्शन का, ट्रांसफर फंक्शन का ये आपका का है एंगल कंडीशन। अब इसमें देखिए पॉजिटिव कहां है, ये है पहले स्टार्टिंग डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग ग्राफ बना देते हैं कहां से कहां लाई करेगा, जीरो से माइनस नाइनटी, ये हम लोगों ने ग्राफ बना दिया। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट, वो हम लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि गेट में भी बहुत सारे एंगल्स तो लोग बता देते हैं कहां से कहां लाई करेगा, लेकिन वो क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा वो हम लोगों को ध्यान देना है। तो पॉजिटिव एंगल हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी पॉजिटिव साइन तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव साइन तो क्लॉकवाइज, ये साइन कहां देखेंगे वो देखिए। जीएचएसएस ये आया, अब ओमेगा इक्वल टू जैसे जीरो पुट किए, स्टार्टिंग में हम लोगों को जीरो पुट करना है फिर इन्फिनिटी पुट करना है, तो जीरो पे हम लोग देखेंगे, जीरो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग देखेंगे कौन सा ओमेगा ज्यादा है, ओमेगा बाई टू ज्यादा है, ओमेगा ज्यादा है, ओमेगा बाई फोर ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है बोलिए, ओमेगा ज्यादा है। तो अगर ओमेगा का साइन देखेंगे पॉजिटिव है तो हम लोग जो ग्राफ स्टार्ट करेंगे ना वो एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आप ओमेगा इन्फिनिटी, ओमेगा इन्फिनिटी पे देखेंगे, ओमेगा इन्फिनिटी पुट करेंगे, उसमें क्या करेंगे काउंट करेंगे, प्लस वाला साइन कितना है, माइनस वाला साइन कितना है, प्लस वाला साइन कितना है एक, माइनस वाला दो है, तो माइनस यहां डोमिनेट हो गया ना, तो माइनस डोमिनेट हो गया तो क्लॉकवाइज, ठीक है। दो साइन हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग में और इन डायरेक्शन, काउंट प्लस ये, ठीक है। कॉन्स्टेंट जो आएगा माइनस नाइनटी माइनस, ये लोग का साइन हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। इफ पॉजिटिव बराबर निगेटिव, मान लीजिए प्लस टेन का या ये भी दो है, पॉजिटिव का साइन भी दो है और निगेटिव का भी साइन दो है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल जो ग्राफ का डायरेक्शन है वही फाइनल डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये ग्राफ लेते हैं हम लोग, ये फंक्शन लेते हैं, इसका इजी है, ठीक है, इसका बना है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये हम इसका कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ आप लोगों के लिए हो जाएगा होमवर्क, और सारे आप लोग क्या कीजिएगा ना, सारे क्वेश्चन बना के,
सारे क्वेश्चन का नाइक्विस्ट पोलर बना के एक रूम में चिपका लीजिएगा, जिससे कि आप लोग देखे तो याद रहे। अच्छा इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ ऐसे ऐसा है, यहाँ एक सेक्शन है, ऐसे एक ही पेज में नाइक्विस्ट पोलर खत्म, इसके पहले वाले पेज में क्या था स्टेबिलिटी खत्म। इस तरह से मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बोले प्लॉट और इसका इधर ट्रिक और इधर सॉल्यूशन। इसका एंगल में देखा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा, नीचे से ऊपर जाएगा एंगल, ये माइनस टेन इनवर्स ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पुट किए जीरो डिग्री, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किए माइनस 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को पता चल गया कि ग्राफ जीरो डिग्री से माइनस 90 तक जाएगी, तो ये हम लोग बना लिए। जीरो डिग्री यहां है, माइनस 90 इधर है। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, तो यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई फोर भी देख सकते हैं, तो उससे कर लेंगे। लेकिन ये सहर्ष में यहाँ पाई बाई फोर नहीं पुट कर सकते ना, कभी कभी लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, तो डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कीजिए। और ये देखिए ये वाला जो मेरा ये है ना ट्रिक, वो कब होगा जब पोल ग्रेटर देन जीरो। पोल होता है डिनोमिनेटर का वैल्यू और जीरो होता है न्यूमिनेटर। So, ये ध्यान रखिएगा, हालांकि ये मैटर नहीं करेगा ज्यादा बाद में, लेकिन वो मैं बता दूंगा कब होगा उसे। तो ओमेगा इक्वल टू जीरो जीरो डिग्री, ओमेगा इक्वल टू माइनस 90 डिग्री, तो ग्राफ हम लोग का जीरो से माइनस 90। अब देखिए अब इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा क्या होगा, इसके लिए हम लोग ये ट्रिक पढ़े। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू जीरो, देखिए कौन सा एंगल है, देखिए ओमेगा एक ही है टेन इनवर्स ओमेगा, उसका साइन क्या है माइनस, माइनस किसको इंडिकेट करता है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज ऐसे है, ये हो गया पोलर प्लॉट। नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे बनाएंगे, इसका जो पोलर प्लॉट है ना उसका मिरर इमेज लेते हैं, मिरर इमेज ले लेंगे रियल एक्सिस के बाद। ठीक है, और इसका ग्राफ जहां इन होगा वहां से वो स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये डायरेक्शन ऑलवेज क्लॉकवाइज होगा, जो हम लोग नाइक्विस्ट में नाइक्विस्ट कभी भी ड्रॉ करेंगे तो वो क्लॉकवाइज ड्रॉ करेंगे, ये माइंड रखिएगा क्लॉकवाइज, इसलिए मैं यहां पे लिख दिया हूं क्लॉकवाइज यहां पे फॉरवर्ड। ठीक है, ऑलवेज। अब देखिए अब मैं कोई एक क्वेश्चन और बना देता हूं, ये बनाता हूं। ठीक है, ये वाला इसका एंगल निकालिए, एंगल जी एच एच एस इजिकल टू टेन इनवर्स ओमेगा बाई टू माइनस टेन इनवर्स ओमेगा माइनस, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, जी ओमेगा, जी ओमेगा पॉजिटिव, जी ओमेगा पॉजिटिव एंड माइनस वन निगेटिव, माइनस मतलब एक्स एक्सिस निगेटिव, मतलब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस टेन इनवर्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, टेन इनवर्स ओमेगा बाई टू माइनस, और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा ना, ओमेगा बाई टू, हाँ अब ये आपका ये प्लस ये कैंसिल। ठीक है, तो ये बचा क्या, माइनस पाई। अब इसका देखिए यहां पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग भी यही है, सब कुछ यही है, तो ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, ओमेगा इक्वल टू जीरो, एंगल कितना आया जीरो डिग्री, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी 90, ओमेगा इक्वल टू जीरो जीरो डिग्री, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ, इसका मतलब हम लोग पहले पोलर प्लॉट बनाएंगे फिर नाइक्विस्ट, इधर पोलर नाइक्विस्ट। पोलर में क्या होगा, स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है जीरो डिग्री, जीरो डिग्री, एंडिंग डायरेक्शन क्या है 90 डिग्री। अब ये डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव साइन है, दैट मीन इंडिकेट पॉजिटिव साइन इज ऑलवेज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये स्टार्ट कहां से करेगा, जीरो डिग्री इधर है और 90 डिग्री की तरफ जाएगा, मतलब और ये जाएगा कैसे, जीरो से स्टार्ट हुआ ऐसे 90 डिग्री की तरफ जाएगा, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ये ऐसे कर दिए क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, राइट, देख रहे हैं ना, ये क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बोलिए दिस विल गोज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज,
दिस इज एंटी क्लॉकवाइज ना, दिस इज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये ऐसे ग्राफ हुआ। अब इसका नाइक्विस्ट कैसे बनाएंगे, नाइक्विस्ट देखिए,